साल 2022 में भारत में हॉकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन हुए? महिला हॉकी में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किनका रहा पूरे साल? साल 2022 में भारत का बेस्ट गोलकीपर कौन है? साल 2022 में भारत का बेस्ट स्ट्राइकर कौन है हॉकी में? साल 2022 में हॉकी में भारत का बेस्ट मिडफील्डर कौन है? अगर यह सवाल आपके भी मन में है तो इन सारे सवालों के जवाब 17 मार्च को मिल जाएंगे। 17 मार्च को हॉकी इंडिया का नेशनल अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है और उसमें 8 कैटेगरी में खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा और उसी के जरिए हमें पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कौन सा खिलाड़ी साल 2022 में बेस्ट रहा। लेकिन इन सब के अलावा एक सवाल और जो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूं वो ये कि क्या आपको पता है कि हॉकी इंडिया झारखंड की बेटी असुंता लकड़ा के नाम से भी पुरस्कार देता है? ये पता है आपको? और आपको बताऊं कि इस ये जो नेशनल हॉकी अवार्ड्स होने जा रहा है उसमें असुंता लकड़ा अवार्ड भी मिलेगा झारखंड की बेटी के नाम पे। और सबसे खास बात यह है कि इस अवार्ड के लिए झारखंड की दो बेटियां भी नॉमिनेट की गई हैं। कौन है वो, किस कैटेगरी में असुंधा लकड़ा अवार्ड दिया जाता है और इन 8 कैटेगरी में जो 33 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं उसमें कौन किस कैटेगरी में हुए हैं वो सभी कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। हॉकी इंडिया 17 मार्च को साल 2022 में हॉकी में अलग अलग कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से जो कि बलजीत सिंह अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 खिलाड़ी नॉमिनेटेड हैं और इसमें हम बताएं कि पुरुष जो हैं पीआर श्रीजेश हैं, कृष्णा पाठक भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो सविता पुनिया जो कि वेटरन खिलाड़ी हैं वो नॉमिनेटेड हैं और बिचू देवी भी नॉमिनेटेड हैं बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के रूप में। इसके अलावा अगर हम बेस्ट डिफेंडर की बात करें कि हॉकी में साल 2022 में भारत का बेस्ट डिफेंडर कौन कौन रहा, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए भी नॉमिनेशन हो चुका है और परगट सिंह अवार्ड दिया जाता है हॉकी के लिए, आपको ये भी बता दूं मैं। और जो 4 खिलाड़ी इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं तो वर्ल्ड कप हॉकी में टीम इंडिया के उपकप्तान रहे अमित रोहिदास इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं, कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी नॉमिनेट किए गए हैं, सुरेंद्र कुमार भी नॉमिनेट किए गए हैं और एक महिला खिलाड़ी भी हैं इसमें दीप ग्रेस एक्का। तो ये 4 खिलाड़ी बेस्ट डिफेंडर के तौर पर नॉमिनेट किए गए हैं, परगट सिंह अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। अगर हम मिडफील्डर की बात करें तो अजीत पाल सिंह अवार्ड दिया जाता है, तो अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर इसमें जो खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए हैं उनमें नवनीत कौर हैं, हार्दिक सिंह हैं, मनप्रीत सिंह हैं, सुशीला चानू हैं और नेहा है। तो ये 5 खिलाड़ी जो हैं बेस्ट मिडफील्डर के तौर पर नॉमिनेट की गई हैं और इनमें से देखना है कि किसे पुरस्कार मिलता है। बेस्ट स्ट्राइकर की बात आती है तो वो अवार्ड धनराज पिल्लई के नाम से दिया जाता है, तो धनराज पिल्लई अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें मनदीप सिंह, आकाशदीप सिंह, वंदना कटारिया और अभिषेक ये 4 फॉरवर्ड खिलाड़ी, भारत के 4 स्ट्राइकर्स शामिल हैं जिस महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी से अगर हम बात करें तो। तो ये तो हो गए ये अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन। और अब मैं उस पुरस्कार की बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपसे कहा था, असुंथा लकड़ा अवार्ड। झारखंड की बेटी असुंथा लकड़ा के नाम पर हॉकी इंडिया एक पुरस्कार देता है और ये जो पुरस्कार है अंडर 21 कैटेगरी महिला वर्ग में जो बेस्ट खिलाड़ी होती हैं भारत की
उन्हें दिया जाता है और यह अवार्ड असुंथा लकड़ा के नाम पे दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो असुंथा लकड़ा अवार्ड है उसके लिए जो खिलाड़ी नॉमिनेट की गई हैं उसमें खुशी की बात यह है कि इस बार झारखंड की भी दो खिलाड़ी उसमें हैं, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, ये दोनों नॉमिनेटेड हैं। इसके अलावा वैष्णवी फालके और मुमताज खान भी नॉमिनेट की गई हैं। इसके अलावा अंडर 21 जो उभरते हुए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है उसमें पुरुष वर्ग में जुगराज सिंह अवार्ड दिया जाता है, महिला वर्ग में असुंता लकड़ा तो पुरुष वर्ग में जुगराज सिंह। इसके लिए जो खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए हैं विष्णुकांत सिंह, संजय उत्तम सिंह और श्रद्धानंद तिवारी। तो ये तो बातें हो गई अलग अलग कैटेगरी की, लेकिन बेस्ट प्लेयर कौन, बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन, बेस्ट महिला खिलाड़ी कौन, तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें महिला खिलाड़ी बेस्ट के लिए जो चार खिलाड़ी नॉमिनेट की गई हैं वो हैं नेहा, नवनीत कौर, सविता पुनिया और वंदना कटारिया। तो ये चार खिलाड़ी जो हैं बेस्ट प्लेयर के लिए नॉमिनेट की गई हैं और उन्हें बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया जाएगा। और पुरुष वर्ग में भी जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उन्हें भी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड ही दिया जाएगा। और उसके लिए जो चार खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए हैं उनमें मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और पीआर श्रीजेश। तो ये चार टॉप खिलाड़ी जो हैं, अब देखना है कि इनमें से कौन बेस्ट प्लेयर बनकर निकलता है। तो सभी को इंतजार है 17 मार्च का जब इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।